माई चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, इजी सा न्यू डिजाइन का फ्लावर शेप में और राउंड शेप में डोरमेट बना के लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे, टू कलर में बनाएंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने वूल ली है, मैंने इसको वूल में बनाया है और मैंने यहाँ पे देखिएगा आप, 9 नंबर की मैंने नीडल्स यूज की है। अगर आप इसको वूल में बुनना चाहते हैं, वो मोटी वूल है या आपकी वूल पुरानी है, तो आप डबल कीजिएगा, पतली वूल है तो आप डबल करके और 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं पुराने कपड़े से, पुरानी साड़ी से, पुरानी चुन्नी वगैरह से, तो आप यहाँ पे 6 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा और आधा आधा इंच की पट्टी काट के आप इसको बुन सकते हैं कपड़े में, साड़ी में, चुन्नी में, पुरानी वूल में। मैंने इसको वूल में बनाया है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। देखिए, बाहर से राउंड शेप है, अंदर से फ्लावर शेप है, 10 कलियों वाला डिजाइन है। मैं आपको इसको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको वूल में बुनते हैं तो आप इसको डोरमैट, पूजा आसन, टेबल मैट, थाल पोस, किसी भी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप इसको पुरानी चुन्नी या कपड़े वगैरह से बुनना चाहते हैं तो आप उसको डोरमैट की जगह ही यूज कीजिएगा। जितने भी बड़े साइज का आपने बनाना हो, आप फंदे जोड़े के हिसाब से डालिएगा। और मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है, तो अगर आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो और डिजाइन अगर आपको पसंद आता है, मेरा बताने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीन कलर से फंदे डालेंगे। तो इस तरह से नोट लगाएंगे और फंदा हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। अब छोटे धागे को अंगूठे पे करेंगे और वर्क वाले धागे को उंगली पे, राइट हैंड में नीडल लेके यहाँ से हम फंदा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5 इसी तरह से हम यहाँ पर 22 फंदे ग्रीन से डालेंगे और 2 फंदे हम ये रेड कलर से डालेंगे। तो ये फंदे मैं डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये फंदे मैंने डाल लिए हैं, 22 फंदे यानी 22 फंदे मैंने ग्रीन से डाले हैं, 2 फंदे मैंने रेड से डाले हैं। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें, आप इसके फंदे जोड़े के हिसाब से ही डालिएगा। 2 फंदे अलग कलर के डाल लीजिएगा, जैसे मैंने ये 22 फंदे ग्रीन के, 2 फंदे रेड के। अगर आप इसको 40 फंदों में बनाना चाहते हैं तो 38 फंदे इसके डाल लीजिएगा, 2 फंदे रेड के डाल लीजिएगा। और जोड़े के हिसाब से डाल के बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखिए, ये इस साइड में जो किनारी है ये हमारी सीधी तरफ है और यहाँ से हमारी उल्टी तरफ है, तो यहीं से ही हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो 2 फंदे ये रेड के हैं, इनको रेड से बुनेंगे। ऐसे 2 फंदे बनाएंगे। अब 2 फंदे आगे से ग्रीन वाले ऐड करेंगे, तो 2 फंदे और हम ग्रीन से ही बुन, रेड से बुन लेंगे ग्रीन वाले। अब आगे के फंदे, इस ये जो धागे हैं इनको अंदर की तरफ ऐसे यहाँ पे दबा लेंगे और ग्रीन से बनाएंगे, आगे के फंदे बुनते जाएंगे। स्टार्टिंग से ही डिजाइन शुरू करेंगे। तो 2 फंदे हमने डाले थे, 2 हमने और रेड से बुन लिए, 4 बन गई। अब आगे तक देखिए, ऐसे ही बुनते जाएंगे, लास्ट के 2 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। 2 कलर में ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा बन के आएगा। इसको आप पुरानी चुन्नी से, पुरानी साड़ी से, पुरानी वूल वगैरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको वूल में बनाएंगे तो आप इसको डोरमैट, पूजा आसन, टेबल मैट, थालपोस, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और पुरानी चुन्नी कपड़े वगैरह से बनाएंगे तो आप इसको डोरमैट के लिए ही यूज कीजिएगा। लास्ट के ये 2 फंदे हैं, इनको बुनेंगे नहीं, यहीं से ही टर्न करेंगे।
अब यहीं से ही मुड़ेंगे और देखिए लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। जो फंदे जिस कलर की हैं उसी कलर से बनाएंगे। ये एक सिलाई मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, आगे फिर ऐसे ही सेम ही बनती जाएंगी, सीधी तरफ से कोई डिजाइन नहीं डलेगा। तो जो ग्रीन फंदे हैं इनको हम ग्रीन से बुन लेंगे। फ्लावर डिजाइन में बहुत ही प्यारा सा राउंड शेप में ये डिजाइन बन के आएगा। अब देखिए ये ग्रीन वाले ग्रीन से बुन लिए। अब ग्रीन धागे को पीछे करेंगे और जो रेड धागा है इसको क्रॉस करते हुए आगे लेके आएंगे। और ये चार फंदे हैं तो इसमें से तीन फंदे हम बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये लास्ट वाला फंदा है इसमें सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बनाएंगे। तो हमारी जो ये किनारी बनेगी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। अब फिर आ गए हम उल्टी तरफ। अब फिर देखिए फिर से ऐसे ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और ये दो तीन चार, चार फंदे रेड के थे, अब दो फंदे फिर से आगे से ऐड करेंगे, एक और दो। हर बार दो फंदे आगे से ऐड करते जाएंगे और आगे तक फिर ग्रीन से बुनेंगे, फिर से लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बुन लेंगे। अब देखिए फर्स्ट रो में हमने ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़े थे, अब की बार ये छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। सीधी तरफ से अब ऐसे ही बुनते जाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी। तो ये सीधी तरफ से सिलाई बन गई। अब फिर आ जाइए रॉन्ग साइड में, फिर से ऐसे ही बनाएंगे। जो रेड फंदे हैं रेड से बुन के दो फंदे और आगे से बुन लेंगे, चार पांच और छह, फिर दो फंदे आगे से ग्रीन वाले रेड से बना लेंगे। अब आगे के ग्रीन से बनाएंगे, यहां से दो फंदे ग्रीन वाले रेड के बुनते जाएंगे, यहां से हर बार दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। अब की बार ये यहां तक छोड़ेंगे, तो सेंटर तक इसको ऐसे ही बुन के हाफ कली हम बना लेंगे। हर बार ऐसे ही बुनते जाएंगे, सीधी तरफ से जो फंदा जैसा है वैसे बनाएंगे और यहाँ उल्टी तरफ से हम दो फंदे यहाँ से हर बार ऐड करेंगे, यहाँ से दो फंदे बगैर उन्हें छोड़ेंगे। तो इसको हाफ कली तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ तक ये मैंने बुन लिया है, दो फंदे फर्स्ट रो में छोड़े, फिर दो छोड़े, फिर छोड़े, फिर छोड़े, फिर छोड़े, ये दो फंदे हमारे सेंटर में बचे हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे। इस फंदे को स्लिप करेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह। अब देखिए ये फंदे हैं, इन फंदों को हम ऐसे रेड से बुनेंगे, ये लास्ट में छूटे थे हमारे। अब आगे के फंदे हम सभी फंदों को, अब जितने ये छूटे हुए फंदे हैं, दो चार छः आठ दस, दस फंदे छोड़े हुए हैं, अब इनको हम ग्रीन से बुन लेंगे। अब की बार इसको ये हाफ है कली का बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पर हम इस पूरी सिलाई को बुनेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने पूरी रो बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ, तो देखिए ये हाफ कली हमारी बन गई है। अब यहाँ से सीधी तरफ से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी से बनाएंगे, ग्रीन वाले ग्रीन से बुन लेंगे, रेड वाले रेड से बना लेंगे। तो देखिए अब ये हाफ कली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस रेड कलर को ऐसे लेके गए थे, अब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए अब जब हम रेड बुनते गए तो दो दो फंदे हम ऐड करते गए थे, अब यहाँ से ग्रीन फंदे ऐड करेंगे इस तरह से। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात
आठ नौ दस ग्यारह बारह। अब देखिए जो ये दो फंदे हैं इन फंदों को हम ग्रीन से बनाएंगे, इस तरह से ग्रीन से बनाएंगे दो फंदे और आगे के ग्रीन से बुनते जाएंगे, लास्ट के दो फंदे फिर से बगैर बुने छोड़ेंगे। ये कली बीच में हाफ में है, हाफ वाली सिलाई है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, तो देखिए ये दो फंदे फिर से छोड़ेंगे। जब हमने यहाँ से स्टार्टिंग की तो हम ग्रीन फंदे ऐड करते गए थे, अब हम यहाँ से इस तरफ डिजाइन लेके जाएंगे तो यहाँ से दो दो फंदे ऐड करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे। तो अब सीधी तरफ आ जाइए, सीधी तरफ फिर से कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, जो फंदा जैसा है ये ग्रीन वाले ग्रीन से बनाएंगे, रेड वाले रेड से बुन लेंगे। तो ये सीधी तरफ से रो को बुन लिए, अब फिर आ जाइए रोंग साइड में। तो अब फिर ये दो फंदे छोड़ेंगे, यहां तक के रेड से बुनेंगे। तो ये रेड फंदे रेड से बनाएंगे, दो फंदे छोड़ लेंगे यहां पे। तो ये दो फंदे हमने छोड़े, इनको हम ग्रीन से बनाएंगे। अब हमने इस डिजाइन को ऐसे ऊपर की तरफ ग्रीन वाले को लेके जाना है। अब आगे के फंदे फिर ग्रीन से बुनेंगे, लास्ट में फिर से दो फंदे छोड़ देंगे। बहुत इजी डिजाइन है। अब देखिए दो फंदे फर्स्ट रो में छोड़े थे, दो अब की बार छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए यहां पर देखिए ग्रीन वाले ग्रीन से बनाएंगे, रेड वाले रेड से बुन लेंगे। तो सीधी तरफ से सिलाई को बुन लिया, अब आ जाइए रोंग साइड में। फिर से देखिए ये दो फंदे रेड के छोड़ेंगे, यहां तक रेड फंदे रेड से बुनेंगे। अब देखिए जो ये दो फंदे हैं इनको ग्रीन से बनाएंगे। अब आगे के फंदे फिर से ग्रीन से बुनेंगे, लास्ट में फिर से दो फंदे छोड़ देंगे। हर बार दो दो फंदे छोड़ते आएंगे। तो अब की बार ये दो फंदे छोड़ेंगे, अब यहीं से ही टर्न करेंगे। सीधी तरफ से फिर से जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बना लेंगे। तो ये सीधी तरफ से रो को बुन लिए, आप फिर आ जाइए रोंग साइड में। तो इसी तरह से इस कली को हम लास्ट तक ऐसे ही, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गई, अब ये ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, तो यहाँ तक हम इसको लास्ट तक ग्रीन फंदे दो दो फंदे ऐड करते जाएंगे, यहाँ से दो दो छोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ तक बुन लेंगे। अब फिर ये दो फंदे फिर से ग्रीन से बनाएंगे, अब आगे के फंदे फिर से बुनेंगे। यहां तक छोड़े हैं, अब की बार ये दो फंदे छोड़ेंगे। बुनते हुए जाएंगे जब आपको अलग से नजर आएंगे छोड़े हुए फंदे, अब यहीं से ही वापस मोड़ लेंगे। अब ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से बनाएंगे और रेड वाले फंदे रेड से बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये इस तरह से बन के आएगा, किसी भी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रीन वाले फंदे मैंने ग्रीन से बुन लिए, अब जो रेड वाले हैं धागा क्रॉस कराएंगे, धागा पीछे करते हुए लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये जो किनारी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बन के आएगी। तो अब देखिए ये कली हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ये कली कंप्लीट की है, ये डिजाइन हमारा ग्रीन कलर से, ये अंदर वाली कली ग्रीन से है, बाहर वाला फ्लावर रेड से है। अगर आप सेम पूरे ही डोरमेट को ऐसे ही बनाना चाहते हैं, बाहर वाले फ्लावर रेड के अंदर वाले ग्रीन से, तो जैसे हमने स्टार्टिंग से की थी वही फंदे हमारे फिर से बन के आ गए हैं, दो रेड के और ये 22 फंदे ग्रीन से।
सेम ऐसे ही बनाते जाना है कि बाहर के फ्लावर रेड से बनते जाएंगे और अंदर वाले ग्रीन से। तो सेम जैसे यहाँ से बुनना शुरू किया था तो आप ऐसे ही बुन लीजिए। अगर आपको डिजाइन चेंज करना है कि एक फ्लावर हमने ये यहाँ पे रेड का बनाया है ये वाला फ्लावर, अब इससे आगे वाला अगर हम ये ग्रीन से बनाएंगे तो हम यहाँ पर इन फंदों को चेंज कर लेंगे, ये डिजाइन ग्रीन वाला रेड का बन जाएगा और ये रेड वाला ग्रीन से। तो मैं इसको आपको चेंज करके बना के दिखाती हूँ। तो अब हमारे वही फंदे हैं जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे। तो जो ये दो फंदे हैं इनको हम ग्रीन से बुन लेंगे, ये ग्रीन से बुन लिए। अब आगे के फंदे रेड से, 22 फंदे रेड से बुन लेंगे। सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ यहां पर हम कलर चेंज करेंगे। अब जो छोड़े हुए फंदे हैं उनको भी हम रेड से बना लेंगे। तो जो हमारी नीचे अंदर वाली कली है ये हमारी रेड की बन जाएगी और जो बाहर वाला फ्लावर है वो हमारा ग्रीन से बन जाएगा। तो ये लास्ट तक अब की बार हम सभी फंदे बुन लेंगे ऐसे। तो अब देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में डाले थे वही फंदे हैं, सिर्फ कलर चेंज हो गया है। अब जो ये ग्रीन की कली थी ये हमारी रेड की बन जाएगी और जो ये रेड की थी ये यहाँ पर ग्रीन की स्टार्ट हो जाएगी। ये एक कलर में मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है ये डिजाइन, जो अंदर से पूरा डिजाइन एक कलर में है और बाहर वाले फ्लावर एक कलर के हैं, ये मैंने पहले ग्रीन और रेड में पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से इस फंदे को उतार लेंगे धागा अपनी तरफ और सभी फंदे हम बुनेंगे। रेड वाले हैं जो ये लास्ट तक हम बुन लेंगे और दो फंदे ग्रीन के हैं उनको ग्रीन से बनाएंगे। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा लास्ट तक, जैसे मैंने ये एक कली बनाई है ऐसे ही राउंड में बनाते जाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे, एक फंदा ग्रीन से बुन के धागा पीछे करेंगे। अब इस रेड को सीधा बना लेंगे। तो जो ये किनारी बनती है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। अब देखिए जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की थी वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। दो फंदे ग्रीन के हैं, दो फंदे फिर से एक बार मैं आपको बना के फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको दूसरी कली बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से दो फंदे ऐड करेंगे। अब देखिए आगे के फंदे इससे बनाएंगे रेड कलर से, लास्ट में दो फंदे बगैर बुने फिर से छोड़ देंगे। तो लास्ट तक बुनते जाएंगे, लास्ट वाले दो फंदे हैं उनको बगैर बुना छोड़ेंगे। तो इनको यहाँ पर छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसी से बनाते जाएंगे। रेड वाले रेड से बुन लेंगे, ग्रीन वाले ग्रीन से बुन लेंगे। अब ये कली हमारी अलग अलग कलर की बनती जाएंगी, एक बार ग्रीन से बनेंगी एक बार रेड से बनेंगी। मैं इसको आपको आगे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी कली बन के आएंगी। तो ये रेड वाली मैंने रेड से फंदे बुन लिए हैं। अब जो धागा पीछे करेंगे क्रॉस कराएंगे, ग्रीन वाले ग्रीन से बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हर बार आप यहाँ पर धागा पीछे करके सीधा बुनते जाइएगा। तो देखिए अब ये हमारी इस तरह से स्टार्ट हो चुकी है। अब जो ये रेड का डिजाइन था ये यहाँ पर ग्रीन का बन जाएगा, ये ग्रीन था ये रेड का। तो इसकी मैं कली कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह से बन के आएगा। सेम ऐसे ही बनाते जाइएगा, राउंड आ जाएगा इसका कंप्लीट होके, 10 कली बन के कम्प्लीट होंगी शायद इसके अंदर। तो इसको मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका एंड कैसे करेंगे। तो
तो ये देखिए इसकी 10 कलियां बन के कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार ये ग्रीन से, फिर रेड से, फिर ग्रीन से, फिर रेड से, फिर ग्रीन से, फिर रेड से, ऐसे ही बनाते हुए टोटल ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसवीं कली स्टार्टिंग हमने ग्रीन से की थी एंड हमारा रेड से होगा। बिल्कुल राउंड में बन के आया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। अब जब ये लास्ट वाली कली हमारी आ गई तो यहाँ पर अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो दो फंदे लेंगे और दो का एक करेंगे। सीधी तरफ से ही हम यहाँ पे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। धागा अब इस पे लेंगे, फंदा दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे, दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, नॉर्मल फंदे रखते हुए धागा और इस फंदों को, सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो लास्ट तक मैं इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हूँ। देखिए ये जो ग्रीन धागा था ये मैंने यहां से थोड़ा सा लंबा कट कर लिया है और इससे हम बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा सा ये हमारा राउंड शेप में, फ्लावर डिजाइन में, न्यू डिजाइन, इजी डिजाइन हमारा ये बन के आया है। तो दो का एक करते हुए हमने सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। इस तरह से बाइंड ऑफ किए हैं। अब इसको ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे नोट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस धागे को छोड़ेंगे, जो ग्रीन धागा मैंने ये थोड़ा सा लंबा लिया था इसको सुई में डाल लेंगे और हम इसको ऐसे करेंगे, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ, यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई करेंगे। अंदर की तरफ सीधा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर को मिलाएंगे और ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे एक नोट लगा के इसको टाइट करेंगे इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा बन के आया है। एक बार इस तरफ से सुई डालेंगे, एक बार इस तरफ से डालेंगे, छोटे छोटे टांके लगाते हुए बारीक बारीक सिलाई इसकी हम कर लेंगे। तो यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर ली है। इसका पता भी नहीं चलेगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है और इसका एंड कहाँ से है। अब देखिए उल्टी तरफ है, हम सिलते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब इस होल को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो इसके चारों तरफ से ऐसे हम सुई को इन फंदों में से निकाल लेंगे। इस तरह से चारों तरफ से निकाल के इसकी यहाँ पे फिर हम नोट लगाएंगे ऐसे। तो देखिए चारों तरफ से मैंने सुई को डाल लिया है। अब इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको टाइट करेंगे इस तरह से, तो हमारा ये होल बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे, ऐसे नोट लगा के यहाँ पे फिर इसको कट करेंगे। तो देखिए डोरमैट हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो ऐसे यहाँ पे, ये वैसे कवर हो चुका है, और लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे यहाँ पे पोम पोम लगा के सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा इस तरह से हमारा ये राउंड शेप में फ्लावर वाला टू कलर में डिजाइन बन के आया है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।